दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, कभी कभी ज़िंदगी में आप कुछ गलत भी नहीं करते तब भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा लोग कहते हैं वैसा आप नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आज आपको बताऊंगा, ये तीन जो पेपर हैं छोटे, इन तीन पेपर के माध्यम से कैसे आप दो गलत लोग जब एक हो जाते हैं तो उनको एक दूसरे से अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आज आपको उसी टॉपिक पर बात करूंगा और वही उपाय बताऊंगा जिसको करके आप पल भर में दो लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, दो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके, अनबन करके जुदा कर सकते हैं। दोस्तों, जब दो लोग गलत रिश्ते के अंदर पड़ जाते हैं, गलत रिश्ता कैसा होता है? मान लीजिए आपका पति है, अगर आपका पति किसी दूसरी लड़की से बातचीत करेगा तो आपको कैसा फील होगा, आप सोच के देखिए। तो अगर आप इस उपाय को करके, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप अपने पति को और उस लड़की को, औरत को जिससे भी हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए अलग कर सकते हो। या फिर आपकी पत्नी किसी दूसरे लड़के से बातचीत करने लगी है, उससे बात करती है, तो आप इस उपाय को करके अपनी पत्नी को और उस लड़के को अलग कर सकते हो। या आपका कोई प्रेमी किसी दूसरी लड़की के बाद चला गया आपको छोड़कर, तो आपको कैसा फील होगा? अगर आप उसके बिना नहीं रह पाते तो आप इस उपाय को करके उन दोनों को अलग कर सकते हो। या जिसको भी आप चाहते हो, कोई भी हो, प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी, या जिस भी दो दुश्मन अगर आपके एक हो गए हों, आपके खिलाफ हो रहे हों, तो आप इस उपाय को करके दो किन्हीं भी दो लोगों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर सकते हो, अलग कर सकते हो। करना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो ताकि कहीं गलती ना हो पाए। आपको इस तरीके से ये जो है आपको तीन ले लेना है, तीन आपको तीन पेपर इस तरीके से आपको काट लेने हैं छोटे छोटे से, और यहाँ आपको तीन बार इस तरीके से लिखना है। बस तीन बार आपको ये लिखना है, जैसे जिसको भी आपको अलग करना है, दो लोग हैं। अब सबसे पहले जो आपके बीच में आया, जैसे अपना एक तो आपका अपना हो गया जिसको आप अलग करना चाहते हो, एक जो दूसरा है, तो जैसे उसका नाम है, कोई आपका पति है और वो पत्नी, आपका पति किसी बाहर औरत से बातचीत करता है, तो उस औरत का नाम है, कुछ भी आप नाम का इस्तेमाल, जो आपका असली नाम रहेगा वो आपको करना है। जैसा उसका नाम है, उसका नाम है परवीन, तो यहाँ परवीन इस तरीके से, परवीन मन उच्चाटन राकेश राकेश, इस तरीके से आपको पूरा नाम लिखना है। और यहाँ लिखना है कुरु कुरु स्वाहा, ये आपको इस तरीके से तीनों को लिखना है। लिखने के बाद से आपको तीनों इस ऐसी तीनों कागज की इस तरीके से लंबी लंबी से आपको तीनों कागज को इस तरीके से बना लेना है, और तीनों पर आपको लिखना है परवीन, जिसको भी आपको अलग करना है। ये नाम लड़की का नाम है परवीन, मन उच्चाटन जिसको अलग करना है, परवीन को और राकेश को, तो यहाँ राकेश परवीन मन उच्चाटन राकेश कुरु कुरु स्वाहा, तीनों पर इस तरीके से लिखने के बाद आपको इन्हीं तीनों पत्तियों को इस तरीके से, कागज की पत्ती जैसी होती है, इस तरीके से बना लेनी है। और ये माचिस अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको इनके अंदर आग जला देनी है। इस तरीके से आपको जला देनी है। जैसे कि आपको इसी तरीके से तीनों पत्ती जलानी है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल तीनों राख हो चुकी हैं। अब इसकी राख को आपको किसी भी चलते हुए पानी में बहा देना है, बस इतना करना है। दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है या उपाय नहीं हो रहा है, कुछ समझना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो दिए हुए नंबर पर आपकी मदद के लिए एक नंबर छोड़ रखा है, जो आपके कहने के मुताबिक इस पर किसी भी जानकारी पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों।